हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चटनी रेसिपी बताती हूँ। तो चटनी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टमाटर चाहिए, 3 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है और ये अदरक लिया है। मैंने अदरक को काट दिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है। इन टमाटरों को हमें पहले भुनना है, ठीक है? तो हम पहले इसको गैस पे भुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको भुनेंगे, तो गैस का चूल्हा ऑन करेंगे। ये हमने कर लिया ऑन। और ये टमाटर लेना है, इस पर भून दे, इस पर रख देंगे तीनों टमाटरों को। इन टमाटरों को हम अच्छे से भून देंगे और ये पके हुए लाल टमाटर हैं, ठीक है? जब तक ये भुनेंगे, क्योंकि भुनने से क्या होगा, इसके ऊपर की जो पीस अच्छे से निकल जाएगी इसकी छिलक, तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं और अब हम इसके ऊपर का ये छिलक निकाल देंगे। तो ये ईजिली निकल जा रहा है, ये देखो, इधर पकड़ो और ये निकल गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छील दिए हैं। अब इसके 2 पीस करने हैं बीच में से, इसके 2 2 पीस कर लेंगे। और फिर इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे, ठीक है? ये जो हमारा जार है, इसमें हम इसको डाल देंगे। और ये हरी मिर्च और ये जो हमने अदरक और लहसुन लिया था, ये भी कच्चा डालेंगे इसमें, ठीक है ना? इसको भूनेंगे ना कुछ, ऐसे इसमें डाल देंगे। और इसकी डंडियाँ काट के, हरी मिर्च जितना तेज आपको खानी है चटनी में उतना तेज आप डाल सकते हो। और ये टमाटर का पानी जो बचा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। तो ये हम इसमें नमक डाल देते हैं और अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पीस चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमें फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन लेना है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, हमने तेल डाल लिया और हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी। ये जीरा हो गया। अब देखिए हमारा जीरा ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चटनी डालेंगे, ठीक है? ये चटनी है, इसको हम इसमें डालेंगे। और फिर इसको मिक्स करेंगे और इसको फिर 5 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है? और अगर इसमें मोटे में जैसे ये लहसुन रह गया तो इसको साइड निकाल देना, अदरवाइज जब ये इसमें पक जाएगा तो खुद ब खुद गल जाएगा। अब इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी चटनी पूरी तरह से रेडी है और ये इसका कलर भी आ चुका है। तब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और देखिए, ये हमारी चटनी रेडी है। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज हमारी वीडियो देखने के लिए।